नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, फिर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटे, उनको चुनाव लड़ाया गया और केंद्र में कृषि मंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ने फैक्ट के आधार पे ऐसा संसद में धोया है कांग्रेसियों को कि बीच में कांग्रेसी सदन छोड़ करके भाग गए। लेकिन उससे भी मजेदार बात, शिवराज सिंह चौहान एक पेन ड्राइव लेकर के गए थे जिसकी बहुत चर्चा है, और चर्चा के दौरान अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई किसी पे आरोप लगा देता है तो सदन के चेयर पे जो भी बैठा होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका जो सभापति या अध्यक्ष होता है वो उसको निकाल देता है। कांग्रेसी मांग करने लगे पीछे से कि ये गलत बयानी है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने जेब से पेन ड्राइव निकाला और कहा कि माननीय सभापति जी, इस पेन ड्राइव के अंदर प्रूफ है जो बात कह रहा हूं। फिर उसके बाद जगदीप धनखड़ जी थे, उन्होंने कहा कि प्रूफ है, आप इसको वैलिडेट करते हैं तो इसको सदन में जमा करवा दीजिए। उसके बाद क्या था, कृषि पे आज बात हो रही थी और जो सवाल होते हैं जो सांसद पूछते हैं उसका जवाब दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेसी पीछे से हूटिंग कर रहे थे, दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा में, और दिग्विजय सिंह को ही कुर्सी से हटाने के बाद भाजपा जब से मध्य प्रदेश में काबिज हुई, बीच में 1.5 साल का अगर टेन्योर छोड़ दिया जाए कमलनाथ का, तो कभी कांग्रेस वापस नहीं आई। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता को रगड़ रगड़ के मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने हराया है, धोया है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, आप लोगों ने देखा होगा कि जब राहुल गांधी की मार्केटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी कहीं खेत में जाकर के ट्रैक्टर चला रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया ट्रैक्टर से पटा पड़ा है, देखो कितना किसान के चहेते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब धोना शुरू किया ना तो कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, ये बार बार पीछे से उकसा रहे थे तो मामा ने एक बात कही, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद नेहरू से कथा शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले आप ये वाली क्लिप सुनिए राहुल गांधी का जो मैटर है। सभापति महोदय, एक नेता जिन्होंने बड़ी यात्राएं निकाली, बड़ी बड़ी यात्राएं, उस यात्रा के दौरान माननीय सभापति महोदय हरियाणा गए, सोनीपत, रियल दिखने के लिए रील बनाई, खेत में एक पुराना वीडियो देख रहा था मैं, सभापति महोदय 2023 का वीडियो है सोनीपत का, अचानक के खेत में पहुंच जाते, किसानों से ज्यादा वहां कैमरामैन थे, कैमरे पहले से फिक्स थे, कहां फोकस किए जाएंगे ये तय था, दो लोग पकड़ के उनको खेत में ले जा रहे हैं। खेत में पहुंचने के बाद पूरा वीडियो सुनिएगा, खेत में करना क्या है, तो वहां पूछ रहे हैं कैमरामैन से कैसे खड़े होना है, क्या करना है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उसकी ये पूरी की पूरी वीडियोग्राफी की सीट है, ये मैं सभा के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय ऑथेंटिकेट कीजिए और सदन के पटल पर, मैं ऑथेंटिकेट करके सदन के पटल पर रखता हूं, ये नाटक करते हैं किसान के नाम पे, इसके कहां खड़ा होना है क्या सभापति महोदय, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द डे जी, कहां खड़ा होना है, कैमरे लगाओ, लोग देख लें कि हम किसान हैं, जब इनको हल भेंट किया जाता तो ये पूछते ये है क्या, और एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ऐसे हुए हैं कि जिनने जब देखा कि लाल मिर्ची के दाम हरी मिर्ची से ज्यादा है तो उन्होंने कहा किसानों ये लाल मिर्ची क्यों नहीं उगाते, ये खेती की बात करेंगे माननीय सभापति महोदय, ये किसानी की बात करेंगे, जहां चर्चा करने कर ले, मैं किसान का बेटा भी हूं और खुद भी किसान हूं, खेती करता हूं। ये तो राहुल गांधी की पोल खोल दी, बहुत अच्छी तरीके से खोल दी।
अच्छा इस सीडी के इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है पता है आपको? लोगों ने तो सिर्फ फोटो और वीडियो देखा था राहुल गांधी का, वहां पे जो कैमरे लगे हुए थे और जिस तरीके से सिखाया जा रहा था, होता है ना कि जैसे फिल्म की शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले जो स्क्रिप्टिंग होती है, उस स्क्रिप्टिंग का प्रूफ शिवराज सिंह चौहान लेकर के आए थे। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का पीआर करने वाली कंपनी में कोई तो ऐसा व्यक्ति था जो शिवराज सिंह चौहान तक ये मटेरियल पहुंचाया है। शिवराज सिंह चौहान तक अगर उसने पहुंचाया है तो किस कारण से पहुंचाया है, यह भी अपने आप में समझने और जानने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान को पहली बार देख करके लग रहा है पूरे 10 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इतना सारा कुछ किसानों के करने के बाद कि कोई किसान मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है देश का। और शिवराज सिंह चौहान 18 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव से बड़े दिग्गज कांग्रेसी थे मध्य प्रदेश में, बहुत दिग्गज कांग्रेसी थे मध्य प्रदेश में, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खास कांग्रेसी भी थे मध्य प्रदेश में। सबको निपटाया है और इतना बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे शिवराज सिंह चौहान, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संसद में और भी बहुत सारी बातें हुई। क्या हुआ जब शिवराज सिंह चौहान गुस्सा हो गए, उस वाली क्लिप को देखिएगा तब बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने, 24 किसानों को मारा। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों खड़े? अब इन्हें छेड़ा छेड़ा दिए, सुन ले मंत्री जी को। 1986 में 1904 में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनके सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई माननीय सभापति महोदय, उसमें दो किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 1995 आप सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली, कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में माननीय किसान मारे गए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ये आप लोगों ने देख लिया, किसी गोलीकांड की बात कर दी थी पीछे से किसी ने, दिग्विजय सिंह ने या कोई शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल की हुई थी उसकी बात कर दी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बिगड़ गए। अब फिर शिवराज सिंह चौहान, अच्छा सबसे मजे की बात क्या है, ये होती है तैयारी कि कोई इस पे भी अगर सवाल पूछ ले तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है शिवराज सिंह चौहान के पास कि कब 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 क्या क्या हुआ, और पढ़ करके सुना दिया। ये होता है संसद में जब आप सवालों के जवाब देने जाते हैं तो तैयारी। भाजपा के कई सारे मंत्री बिना तैयारी के चले जाते हैं, या अन्य भी बहुत सारी पार्टियों के अलग अलग प्रदेशों में आप सुनते होंगे या कांग्रेस के जमाने में सुनते होंगे, बिना तैयारी के आते थे, कुछ भी बोल करके निकल जाते थे। तो शिवराज सिंह चौहान से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। एक और वीडियो सुन लीजिए, इसमें भी धुलाई जबरदस्त है। तो मुझे लगा कि मुझे जितने प्रधानमंत्री भारत में आज तक हुए हैं उन सबके भाषणों को पढ़ना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण भाषण होता है 15 अगस्त का, स्वतंत्रता दिवस का, लाल किले की प्राचीर से। मैंने सोचा किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य उद्घाटित कर रहा हूं, जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरत में रह गया, हैरान हो गया। मैंने जो उस दिन कहा था कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके भाषण मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947
एक बार किसान का नाम नहीं लिया, 48 में एक बार, 49 में नहीं लिया, 50 में नहीं लिया, 51 में नहीं लिया, 52 में नहीं लिया, 53 में नहीं लिया, 54 में नहीं लिया, 55 में नहीं लिया, 56 में नहीं लिया, 57 में नहीं लिया, 58 में नहीं लिया, 59 में नहीं लिया, 60 में नहीं लिया, 61 में नहीं लिया, किसान शब्द नहीं आया। ये मैं पढ़ के कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, किसान शब्द नहीं आया। यह आपकी प्राथमिकता है माननीय सभापति महोदय। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं, कभी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा बोलने का मैं आदि नहीं हूं, लेकिन मैंने उनके भाषण भी पढ़े, 66 में दो बार, 67 में एक बार, 68 में तीन बार, 69 में तीन बार, 70 में एक बार, 71 में, 72 में लिया नहीं, 73 में दो बार, लेकिन कैजुअली, कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी की बात नहीं करी, 75 में, 76 में, 80 में एक दो बार कैजुअल नाम दिया। स्वर्गीय राजीव जी, उनकी प्राथमिकता भी कभी किसान नहीं रहा, कांग्रेस। दिग्विजय सिंह लपेटे गए, नेहरू लपेटे गए, इंदिरा लपेटी गई, राजीव लपेटे गए, राहुल गांधी लपेटे गए, उसके बाद आका तो लपेटे ही गए कांग्रेस के, चमचे भी लपेट लिए गए। जब चमचे लपेट लिए गए तो जाहिर सी बात है सदन से उनको वॉकआउट ही करना था। इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी, जैसे सुधांशु त्रिवेदी है ना, सुधांशु त्रिवेदी से कोई पंगा नहीं लेता जल्दी, सुधांशु त्रिवेदी जब धोते हैं तो बिना साबुन वाबुन लगाए हुए एकदम बढ़िया से धो देते हैं, कस के अच्छे से। इसी तरीके के लोगों की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या, शिवराज सिंह चौहान ने बोलते हुए कोई बड़बोलापन नहीं दिखाया, शिवराज सिंह चौहान ने फैक्ट्स पे बात की और फैक्ट्स लेकर के आए थे और सदन के पटल पे रखे। राहुल गांधी की तरह नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने कि कुछ भी सदन में बोल दो और चले जाओ, जब उसके फैक्ट्स की बात आए और उस पे जब कैंची चले तो रो, अरे मेरा भाषण, मेरा भाषण, मेरा भाषण। सदन की यही मर्यादा होती है, आप पूछोगे जवाब दो, कटाक्ष भी होता है, बातें भी उठती है, सारी चीजें होती है, लेकिन सबूतों के साथ होती है। शिवराज सिंह चौहान ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस के जमाने में गोली चली थी, शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि किस सन में कहां गोली चली और कितने किसान मरे। तो जब फैक्ट्स के साथ बात करते हैं ना, तो जो उंगली करने वाले लोग होते हैं या जो पीछे से शोर मचाने वाले लोग होते हैं उनको सदन छोड़ करके भागना ही पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बात और कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, छोटी सी क्लिप है, इसको भी देख लीजिएगा। तो होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि बैठ के सोचो खेती और खेती से संबंधित सारे विभाग एक दिशा में कैसे सोचे। विभाग अलग अलग हो सकते हैं सभापति जी, लेकिन हम जानते हैं केमिकल फर्टिलाइजर विभाग अलग है लेकिन खेती से उसका संबंध है, जल शक्ति विभाग अलग है खेती से संबंध उसका है, और इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि अलग अलग विभाग, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, ये मिलके प्लानिंग करें, एक दिशा में चलें, ताकि हम खेती में लाभ को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। एकीकृत दृष्टिकोण ये सरकार अपनाएगी। होप दोस्तों ये वीडियो, ये फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आए होंगे, शिवराज सिंह चौहान का भाषण भी आप लोगों का पसंद आया होगा, कंटेंट भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों से करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।